सालू ने 1996 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी का गाना परदेसी परदेसी जाना नहीं तो आपको याद ही होगा। इस गाने में दो बंजारन थी, एक जो डांस कर रही थी और दूसरी वो थी जिनका थोड़ा सा डरावना लुक था और वो अपनी दर्द भरी आवाज में इस गाने को गा रही थी। इस गाने को गाने वाली बंजारन का नाम ही है कल्पना अय्यर, जिन्होंने अपने इस फिल्म में गाने की आवाज़ के साथ साथ अपने डांस का तड़का बखूबी लगाया और अपने इसी गाने के साथ एक घरेलू पहचान बन गई। लेकिन दोस्तों, आप इस अभिनेत्री के बारे में तो सब जानते ही हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इनका परिवार का इतिहास क्या है, ये किस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं, इनके परिवार में कौन कौन है और वो सभी मेंबर्स क्या कुछ करते हैं और किस तरह से इन्होंने अपने इस परिवार से निकलकर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई, तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हमारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, वो भी इनके परिवार का इतिहास बताकर। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके परिवार का इतिहास तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और साथ ही इस मशहूर अदाकारा के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिल्म राजा हिंदुस्तानी के परदेसी गाने में नजर आने वाली बंजारन कल्पना अय्यर यूपी के ब्राह्मण तमिल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनका परिवार शुरू होता है इनके पिता पद्मनभन अय्यर से, जिनकी इंटरनेट पर कोई भी तस्वीर मौजूद नहीं है। वो पेशे से एक गारमेंट एम्प्लॉय थे और उन्होंने गरीब परिवार की लड़की वेदावेली से शादी की थी, जितनी इनकी कोई भी तस्वीरें अवेलेबल नहीं है। आगे चलकर वह 3 बच्चों के माता पिता बने और अब वह अपने बच्चों के साथ नहीं हैं। वो काफी सालों पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। माता पिता के बाद अब बात कर लेते हैं इनके भाई और बहनों के बारे में। तो इनके एक भाई हैं जिनका नाम है रवि और 2 बहनें कविता और करुणा हैं। इनके ये सभी भाई बहन लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं, इसीलिए ना तो उनकी कोई तस्वीर है और ना ही उनके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध है। अब बात कर लेते हैं इस फैमिली के स्टार कल्पना अय्यर के बारे में, जिनका जन्म 17 अप्रैल 1955 को उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसीलिए इनकी सारी पढ़ाई भी यहीं से पूरी हुई है। वहीं अगर बात करें इनके स्ट्रगलिंग करियर के बारे में, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी और आगे चलकर साल 1978 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी किया था, जिसे जीत तो नहीं पाई थी लेकिन उस कॉन्टेस्ट की फर्स्ट रनर अप रह चुकी हैं, जिसके बाद ये मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्टेंट में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए गई थी, लेकिन अफसोस ये उसे भी जीत नहीं पाई थी। लेकिन उस कॉन्टेस्ट में इनके अच्छे प्रदर्शन के चलते साल 1981 में इन्हें फिल्म हमसे बढ़कर कौन है से बड़ा ब्रेक मिला, जिसमें इन्होंने शालू का किरदार निभाया था। उस फिल्म के बाद आगे चलकर इन्होंने जहाँ मिल गई मंजिल मुझे, डिस्को डांसर, जख्मी औरत, लूटमार और हम हैं लाजवाब जैसी कई फिल्मों में अभिनय प्रदर्शन किया। वहीं कई फिल्मों में इन्होंने आइटम नंबर्स भी किए, जिसमें फिल्म अरमान का रंभा हो और फिल्म राजा हिंदुस्तानी का परदेसी परदेसी गाना इनके लोकप्रिय गाने हैं। वहीं बात की जाए इनकी आखिरी फिल्म के बारे में, तो वह साल 1995 में आई गुंडा राज है, जिसमें काम करने के बाद इन्होंने अपने करियर को फुल स्टॉप दे दिया था और दुबई जाकर बस गई थी, जहाँ आज अकेले ही अपना रेस्टोरेंट चला रही हैं। प्रोफेशनल लाइफ के बाद अब बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन एक समय पर ये एक बॉलीवुड के मशहूर एक्टर के साथ लव रिलेशन में रही थी और वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि हमारे गब्बर सिंह उर्फ अमजद खान थे। शादीशुदा अमजद खान के साथ ये काफ़ी लंबे समय तक लव रिलेशन में रही थी। वहीं अमजद भी इनकी सुंदरता पर अपना दिल हारे बैठे थे। इन दोनों के बीच प्यार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन इन्होंने कभी अमजद खान के ऊपर शादी के लिए दबाव नहीं बनाया, क्योंकि ये जानती थी कि अगर ये ऐसा करती तो वह शादी के लिए तैयार भी हो जाते, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर इनसे शादी करें और उनका वैवाहिक जीवन टूट जाए, इसीलिए इन्होंने उनसे शादी नहीं की। लेकिन इस तरह से जब तक अमजद खान जिंदा थे, दोनों के बीच का प्यार बना रहा। वहीं उनकी डेथ के बाद भी ये उनसे ही प्यार किया करती हैं। ये बेशक अमजद से शादी ना कर पाई हूँ, लेकिन आज भी ये उन्हें ही अपना पति मानकर जी रही हैं। इसी वजह से ये आज तक कुंवारी हैं। दोस्तों, आपको कल्पना अय्यर की फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकर क्या कुछ कहना है, आप हमें अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट से रूबरू रहने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।